राजन जी फिशरीज पोर्ट व टेक्सटाइल मंत्री आमचे मित्र असलम भाई मंचावर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमिटी चे महासचिव राजेश शर्मा जी मेहुल बोरा जी जिल्हा कांग्रेस कमिटी चे अध्यक्ष प्रमोद सावंत महिला अध्यक्ष लीलाताई पाटील मंचावर उपस्थित सर्व नगरसेवक माजी नगरसेवक सर्व ब्लॉकचे अध्यक्ष सर्व कार्य अध्यक्ष वसई विरारचे कार्य अध्यक्ष प्रकाश पाटील समीर वर्तक उपस्थित सर्व मीरा भाईंदर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे ब्लॉकचे दिल्लीचे प्रभागचे सर्व पदाधिकारी सगळ्यांचं नाम घेणं शक्य नाही आणि म्हणून सर्व पदाधिकारी पत्रकार मित्रांनो उपस्थित बंधू भगिनी कार्यक्रमाला थोडासा उशीर झालाय आणि आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की सध्या मुंबईला बाय कार घेऊन जाऊन जायचं असेल तर आपल्याला साधारणतः 2-3 तास लागत असतात आणि म्हणून असलमबाई मागे 15 दिवसापासून जेव्हा जेव्हा मी मुंबईला गेलो एक गाडी तिथे सोडली आणि ट्रेननी प्रवास केला म्हणजे 1 तासामध्ये चर्चगेट आणि चेन्नई रोड आपल्याला गाठता येते आणि संध्याकाळी परत मीरा भाईंदरला कार्यक्रम होता म्हणून 5 वाजता ट्रेन पकडली आणि 6:30 वाजता इथे कार्यक्रमामध्ये उपस्थित वसई विरारला जायचं असेल तरी मी तसंच करतो आणि म्हणून मला आपल्यालाही सूचना द्यायची आपण मंत्री आहात की यापुढे कुठेही वसई विरारलाही तुम्हाला कार्यक्रमासाठी यायला लागणार आहे या ठिकाणी सुद्धा महापालिकेची निवडणूक आहे आणि फिशरीज पोर्ट हे आपल्याकडे असल्या कारणाने पूर्ण पालघर जिल्हा आणि मीरा भाईंदरचा उत्तम हा परिसर तुमच्या सुद्धा मतदारसंघामध्ये फिशरीज कोळी समाज खूप मोठ्या संख्येने आणि त्यांचे खूप प्रश्न असतात म्हणून आपल्याला वसई विरार पालघर जेव्हा पण जायचं असेल कार्यक्रमाला आपण यापुढे तुम्ही आणि मी दोघे आपण ट्रेननी प्रवास करू म्हणजे कार्यकर्त्यांना जास्त वेळ थांबता येणार नाही मंत्री असल्यावर आणि 3-3 डिपार्टमेंट असल्यावर आणि फक्त तेवढंच नाही तर ज्यावेळी आपण 3-3 पक्षाबरोबर सरकार चालवतो तर थोडाफार खिस्साताण हे चालू असते मुख्यमंत्री शिवसेनेचे असल्या कारणाने ते जातात आणि कुठेही कार्यक्रमाचं नारळ फोडून टाकतात उद्घाटन करून टाकतात मग काँग्रेसवाल्यालाही सुद्धा कुठेतरी जाऊन आपली भूमिका त्या ठिकाणी मांडायला लागते त्याच पद्धतीने एनसीपीवाल्याला सुद्धा आपली भूमिका मांडायला लागते शेवटी प्रत्येकाला आपापला घर सांभाळण्याची जबाबदारी आपापल्यावर आहे आता औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक आहे तिथेही मी इन्चार्ज आहे तिथे आमची लढाई MIM बरोबर आहे एका बाजूला भाजप बरोबर आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सेना आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन लढायची आहे तर असा तिरंगी कसरत चौरंगी कसरत सध्या राज्यामध्ये प्रत्येकाला करण्याची पाळी सगळ्यांवर आलेली आहे आणि हे आपण का करतोय की जेणेकरून या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये जे भाजपवाले ज्या पद्धतीचा राजकारण चालवत आहे जे घटनेला त्या मारायला तयार नाही कॉन्स्टिट्युशनला मारायला तयार नाही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घडवलेली घटनेला त्या मान्य करायला तयार नाही आणि डिक्टेटरच्या माध्यमातून जसे एखादा डिक्टेटर आपण ईस्टर्न कंट्रीज मध्ये बघितला असेल रशिया आणि बाकीच्या 50 कंट्रीज मध्ये बघितला असेल किंवा काय इस्लामिक देशांमध्ये सुद्धा आज राजांच्या नावाने डिक्टेटरशिप चालू आहे त्याच प्रकारची डिक्टेटरशिप आज आपल्या देशामध्ये चालू आहे आणि ते कोण चालवतोय तर भाजपची केंद्र सरकार चालवतोय या ठिकाणी वक्त्यांनी त्याचा उल्लेख केला की डिमॉनिटायझेशन वरती काय घडलं कोणाचा फायदा झाला किती उग्रवाद थांबलं किती काळे पैसे देशात परत आले किती लोकांना 15 लाख मिळाले गॅसची सबसिडी दिली काँग्रेसच्या राज्यामध्ये 450 रुपयाचा गॅस होता हा 750-800-900 रुपयाचा गॅस आहे पण मला समजत नाही असलम भाई की शहरातल्या लोकांना ही गोष्टी समजतच नाही की आता जे कास्तकारांचा फार्मर्सचं जे बिल त्यांनी टेबल केलेलं आहे भाजपानी कोविड सारख्या परिस्थितीमध्ये जर केंद्र सरकार कास्तकार फार्मर्सच्या बाजूनी होती तर त्यांना त्यांना ओपन डिस्कशन करायला पाहिजे सर्व संघटनेला बोलवायला पाहिजे सर्व विरोधी पक्षाला बोलवायला पाहिजे होतं आणि घटनेने कॉन्स्टिट्यूशनने जे अधिकार दिलेले आहेत
the process of constitution and process of parliament with due process has to be followed. हे आपण फॉलो करायला पाहिजे होतं. हे भाजपने केलं नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं नाही. आज 2 महिने शेतकरी त्या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत, आंदोलन करतायत, पण भाजपवाल्यांना त्याची काही पडलेली नाही. ते म्हणतात आम्ही कास्तकारांवर चर्चा करतो. चर्चा काय करायची आहे? कास्तकार फार्मर तुमच्याकडे फक्त हे सांगताय की हे बिल माघार घ्या. 1 लाईन, टेक बॅक द बिल, ये बिल वापस लीजिए. मगर केंद्र सरकार ये करने को तैयार नहीं. उनके गोदी मीडिया, मोदी मीडिया उनके ताबड़तोड़ तैयार किए हुए एनजीओ, अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स, ये करके गुमराह करने का काम ये केंद्र की सरकार आज कर रही है. शहर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा. ये एक सेकेंड के लिए समझ जाइए कि राजेश शर्मा जी जो है, उदाहरण दे रहा हूं, ये अडानी अंबानी है और दूसरे मेहुल वोरा, ये गवर्नमेंट की एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है. आज जो किसानों का बिल पास हुआ है, वो बिल के तहत अडानी अंबानी का मार्केट लॉजिस्टिक एपीएमसी के बाजू में खुलेगा, उस तालुके में खुलेगा, उस जिले में खुलेगा. गरीब किसान एपीएमसी में जाएगा, उसे कहा जाएगा कि मैं तुमको 1 रुपया किलो दूंगा. वो अडानी अंबानी के पास जाएगा, वो बोलेगा मैं 1 रुपया 10 पैसा दूंगा. एक साल अडानी अंबानी 1 रुपया 10 पैसा देगा, दूसरे साल 1 रुपया 20 पैसा देगा और 2 साल में एपीएमसी, उसके पास कारोबार बचेगा नहीं, एपीएमसी बंद पड़ जाएगी. और तीसरे साल अडानी अंबानी कहेगा मैं 90 पैसा दूंगा, देना है तो दे, नहीं तो जा. जैसा तुम्हारे साथ जियो का काम किया, तुमने बाकी के नेटवर्क्स के मोबाइल्स को बंद कर दिया, जियो ले लिया, फुकट में मिला, 3 महीना मिला, फिर 6 महीना मिला, अभी 350 रुपया तुम्हारे को भरना पड़ता है. और दिखेगा आने वाले समय में, अगले साल भर में 500-550 हो जाए. केंद्र की सरकार ने देश के जो मंदिर मस्जिद बनाए थे, वो राम जन्मभूमि नहीं और बाबरी मस्जिद नहीं, पंडित नेहरू जी ने इस देश के लिए डैम्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए, माइंस बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए. सेक्युलरिज्म की बात, सेक्युलरिज्म का मतलब इनको नहीं समझ में आता. सेक्युलरिज्म का मतलब है सर्व धर्म समभाव, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, पिछड़ी जाति हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, मराठा हो, ब्राह्मण हो, ये सारी जातियों को, उसको सेक्युलरिज्म कहा जाता है. मगर भाजपा और आरएसएस ने सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन इस घटना की और कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन सिर्फ हिंदू और मुसलमान में बना करके रख दिया. आज देश में यह माहौल है कि कोई दाढ़ी वाला आदमी, कोई टोपी पहन करके चल के जा रहा है आदमी, तो हिंदू समाज का आदमी उसको नफरत की नजर से देखता है. कोई तिलक लगा करके हिंदू जा रहा है तो मुस्लिम समाज उसको नफरत से देखता है. इस देश की घटना ने सभी को एक सर का अधिकार दिया, भाषा का, प्रांत का, अपने जात का, अपने मजहब का, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसका ये सारा अधिकार घटना ने दिया. मगर इस सारी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का काम ये लव जिहाद के नाम पर हो, चाहे अन्य मुद्दों के ऊपर हो, हर बात को पोलराइजेशन किस तरह से करना चाहिए. अभी आप टीवी चालू करके देखिए तो अभी बंगाल का इलेक्शन है, तो आपको अभी एक तरफ भागवत साहब नजर आएंगे और दूसरी तरफ ओवीसी साहब नजर आएंगे. बंगाल का इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो भागवत साहब भी गायब हो जाएंगे और ओवीसी भी गायब हो जाएंगे. ये एमआईएम बीजेपी का स्पॉन्सर्ड पार्टी है. जब जब जहां जहां इलेक्शन होता है वहां वहां एमआईएम को खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि हमने पिछले 7 साल से जो सरकार चला रहे हैं इसके वजह से लोगों को परेशानी, तकलीफें. तो जो उनका नुकसान वोट बैंक का हो रहा 10%, 20%, 25%, तो जो सेक्युलर वोट बैंक है यूपीए की सारी पार्टियों की, उसको सेंध लगाने के लिए, उसमें डैमेज करने का और अपना जो नुकसान हुआ है उसको बैलेंस करने का, यह पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बीजेपी की है. उनको इस देश की पड़ी नहीं है, आवाम की पड़ी नहीं है, जनता की पड़ी नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की पड़ी हुई है. रोज आप पढ़ते हो 5,000 किलोमीटर रेलवे इस कोविड के काल में बीजेपी की सरकार ने बेच दिया है.
जो यूपी के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, आप उनको पता होगा, टेंस फ्रैट कार्गो ये बेच दिया है, पोर्ट सूरत ढानो तमाम पोर्ट ये बेच दिया है। अभी पिछले हफ्ते बीपीसीएल को 90,000 करोड़ में बेच दिया, 52% मतलब मेजोरिटी शेयर बेच दिया। आपको क्या लगता है कि अडानी और अंबानी आज जो सरकारें राशन खरीदती है, चावल खरीदती है, गेहूं खरीदती है, शक्कर खरीदती है, दाल खरीदती है और उसमें सब्सिडाइज करती है, सरकार अपनी तरफ से पैसे डालती है, अगर 10 रुपए में खरीदा गया है तो उसमें 8 रुपए सरकार डालती है और तब जाके रेशनिंग में आपको सब्सिडाइज रूप में बीपीएल और एपीएल कैटेगरी में रेशनिंग मिलता है। आपको यह लगता है कि अडानी और अंबानी ये काम करने वाले हैं कि वो 10 रुपए में खरीद के गरीब आदमी को 2 रुपए का रेशनिंग देने वाले हैं? आप इस बात की नोन ले लीजिए, मीडिया भी यहां बैठा है, आने वाले समय में ये रेशनिंग भी बंद कर दिया जाएगा। ये सारे एफसीआई के गोडाउन जो शहरों में है ये सब अडानी और अंबानियों को बेच दिया जाएगा क्योंकि वो अपना माल शहरों में बेचने वाले हैं, तो उनको लॉजिस्टिक कहां लगेगी? शहरों में लगेगी। फिर तो सरकार क्या कहेगी कि अभी किसान को सारा माल अडानी अंबानी को बेचता है तो सरकार को इन गोडाउन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने 1,00,000 करोड़ में गोडाउन में इनको बेच दिया। तब आपको पता लगेगा, तब इस शहर में रहने वाले गरीब आदमी को, बीपीएल को, एपीएल को, लो इनकम ग्रुप को, एमआईजी को, इनको पता लगेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी। हमने हिंदुत्व के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे एक ऐसी पार्टी को ला करके इस देश में बिठा दिया है कि जिसको गरीब से कोई संबंध नहीं है, उनका एक ही टारगेट है। कांग्रेस ने नारा दिया था, इंदिरा जी ने, गरीबी हटा, इनका नारा है गरीब को हटा। ये कर रहे हैं काम, गरीब को हटाने का काम कर रहे हैं और इससे इनसे लड़ने की जिम्मेदारी अगर इस देश में किसी की है तो वो सिर्फ कांग्रेस की है। आप देखते हो तमाम देश में, हर राज्य में रीजनल पार्टी है, मगर जब भी बीजेपी नरेंद्र मोदी मुंह खोलते हैं तो कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस को टारगेट करते हैं। इसका मतलब इनको पता है कि चाहे ये कितना कांग्रेस को खत्म करना चाहे, ये कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते। गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक में, तालुके तालुके में, गली कूचे में कांग्रेस की और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल को मानने वाला कार्यकर्ता और जनता आज भी मौजूद है। कांग्रेस वो वृक्ष है कि जितना तुम काटोगे उतना हरा होगा। जिम्मेदारी आपकी हमारी है, राजनीति में आप और हम सब आए हैं। आज बहुत सारे लोग एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना में से असलम भाई कांग्रेस में वापस यहाँ पे प्रवेश हुआ है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी घर वापसी हुई है क्योंकि इस शहर में असलम भाई हम लोगों ने ही राज किया, कांग्रेस ने। 1985 से मैं वार्ड का अध्यक्ष था, फिर ब्लॉक का अध्यक्ष था, जिले का अध्यक्ष बना, प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, प्रदेश का अध्यक्ष बना, 15 साल तक के प्रदेश में काम किया, तब जाके प्रदेश का कार्याध्यक्ष लगातार बना। ये शहर का पूरा डीपी प्लान असलम भाई मैंने तैयार किया, 91 में पहली बार नगर सेवक बना। असलम भाई के फादर फैजान साहब, फैजान भाई, वो अक्सर मीरा भयंकर आया करते थे, हमारे उत्तर के एक नगर सेवक है थे, उस्मान नूरले साहब, उनके साथ में उनकी दोस्ती थी तो आया करते थे, तब वो नगर सेवक मलाड में थे और हम यहाँ पे नगर सेवक थे, तो लंबा अर्थ सियासत का चलता और इसीलिए जो लोग आए हैं वापस घर में आपका स्वागत है। ये बात दिल में मत रखिएगा कि साहब क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम गए थे वापस आ गए। कांग्रेस का दिल समंदर है, ये छोटी खिड़की से छोटी नजरों से काम नहीं करते। आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस समाज के लिए काम कर रहे हैं। जो नए पदाधिकारी बने हैं, जो नए ब्लॉक के अध्यक्ष बने हैं, जो नए कार्य अध्यक्ष बने हैं, जो फ्रंटल के नए अध्यक्ष बने हैं, जो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं, असलम भाई अभी हमने नया जिला अध्यक्ष बनाया हमारे प्रमोद सावंत साहब को, इसको भी ऑलमोस्ट साल होने को आया, वो बना तब से कोरोना ही चला। हम लोगों ने 40,000 घरों के अंदर रेशनिंग किट, 1 महीने का सामान भिजवाया था, 40,000। सिर्फ उतना ही नहीं तो लोगों को पैसे भी दिए थे घरों में,
और 60,000 लोगों को 15 दिन 24 घंटे हाईवे पर, 24 घंटे हाईवे पर हमने 60,000 लोगों को, प्रवासी मजदूरों को मदद की, अनाज से की, कपड़े से की, जूते से की, जो चीज कर सकते जो की, वो सारे मेरे कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी हुआ, उनका तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि कोरोना के कारण में आपने अपनी परवाह नहीं करी और आपने लोगों की सेवा करी, पार्टी की सेवा करी, पार्टी के आदेश का आपने पालन किया। इसी तरह डट के आपको रहना है। अभी असलम भाई भले मंत्री है लेकिन थाने जिले के पालक मंत्री है कांग्रेस के, और उनके पास हमने तालुके की और जिले की जो समितियां है, गवर्नमेंट की समितियां है, जिला अध्यक्ष ने और राजेश शर्मा जी ने आप लोगों के साथ बात करके आप लोगों के नाम अलग अलग समितियों पे दिए, वो यदि हमने संपर्क मंत्री के पास दिया है, वो पालक मंत्री के साथ बैठ के, राष्ट्रवादी के संपर्क मंत्री के साथ बैठ के उसको वो फाइनल करेंगे। किसी को एक कमेटी नहीं मिलेगी, किसी को मिलेगी, क्योंकि तीन पार्टी का पूरा समीकरण है। तो हमने बहुत सारे लोगों को एससीओ भी, उसके भी फॉर्म्स भरने का काम शुरू किया हुआ है। उसकी जो मेरिट्स है वो मेरिट्स में आपका केस बैठना चाहिए। जिला अध्यक्ष को बताया गया है कि 50, 100, 150 अगर ज्यादा भी बनाना पड़े तो असलम भाई आपको हमको बना के देना पड़ेगा। ये पूरे थाने जिले के अंदर, ये वसई विरार हो, मीरा भाईंदर हो, पालगढ़ हो, चाहे भिवंडी हो, कांग्रेस को जिंदा रखने का काम ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। और पिछले 10-12 सालों में ये छोटे वर्कर्स को कोई मान का स्थान नहीं मिला है। आप जानते हो कि मैं सर कंटिन्यूस जब भी वर्चुअल मीटिंग होती है, प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग होती है, मेरा पहला मुद्दा यही रहता है। और तब जाके आज 8-10 महीने में जो पॉलिटिकल केसेस आप पे, हम पे आंदोलन के हुए थे, असलम भाई मेरे पे 5 साल में 23 केसेस थे, आज 5 साल से मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। बाला साहब थोराक जी ने कैबिनेट में मुद्दा मांगा और 2019 तक का, दिसंबर तक के जितने पॉलिटिकल केसेस है वो विड्रॉ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और अडानी की सरकार ने किया, जिसका जीआर निकाल दिया गया। तो मुझे पता है आंदोलन करते हैं तो एचआर में काम करने वाले, हाउसकीपिंग में काम करने वाले, सिक्योरिटी में काम करने वाले, नया कारोबार करने वाले, विदेश में जाने वाले, शहर के अंदर के लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। अगर आपके ऊपर केस हो गया है तो आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होता। अगर आपके ऊपर केस है और कंपनीज मल्टीनेशनल जब आपसे एनओसी मांगती है तो आपको एनओसी नहीं मिलती। ये शहर के कार्यकर्ताओं की दिक्कत है, लेकिन पार्टी या पार्टी का नेतृत्व इस बात पे ध्यान रखता है और तब जाकर के केसेस वापस लेने का काम किया गया है। आपको जिले में, तालुके में, ब्लॉक में, पार्टी में और सरकार की समितियों में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एसईओ आप बनोगे, नहीं बने तो ऐसा समझना ईश्वर की, खुदा की इच्छा है कि आपको उससे कुछ अच्छा नहीं है। मैं मिसाल हूं आपके सामने, 2009 में आपके हमारे 34 कॉर्पोरेटर थे, एनसीपी के 18 थे, फिर भी अलायंस के अंदर ये सीट एनसीपी को देनी पड़ी। वरना असलम भाई की तरह मैं भी आप 3 बार एमएलए चुन के आया होता और कैबिनेट का मंत्री होता, मगर पार्टी ने हर चीज का ध्यान रखा। 2013 में मुझे न मानते हुए मेरी बच्ची की शादी थी और शाम में मुझे बताया गया और सवेरे मुझे एमएलसी बनाया गया बिन विरोध। और आज भी असलम भाई इस बात के गवाह है, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा साथ मुझे इसमें मिला है। जो अभी जो गवर्नर्स के नॉमिनेशन में मेरा नाम गया है वो भी असलम भाई जानते हैं, ना मैं दिल्ली गया ना कुछ सीनियर लीडर्स के पास से मांगने गया, असलम भाई ने मेरा नाम का रिकमेंडेशन किया, मेरे लिए दिल्ली में जाके जो से आवाज उठाई। जब उनकी बारी थी तो हमने उनके लिए कोशिश किया, जब हमारी बारी आई तो उन्होंने हमारे लिए किया। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग एक ही फ्लो के लोग हैं, कि पार्टी और पार्टी के वर्कर उसके लिए जो डेडिकेशन से काम करता है उसको कहीं अकेला छोड़ा नहीं जाएगा। आपको आने वाले 2022 के मीरा भाईंदर के कॉर्पोरेशन के चुनाव की तैयारी करनी है। बीजेपी सत्ता में है मगर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के ही लोग बीजेपी में 30 लोग गए थे, तब जाके उनके 60 लोग आए। आज क्या हो रहा है वहां पर? भ्रष्टाचार। शहर में बहुत ही फेमस है हमारे शहर में कावेर वाले बाबा, समाज को दिखा दिया उन्होंने कि उनका चरित्र क्या है।
भ्रष्टाचार करके दिखा दिया और इसीलिए उनके ही पार्टी के 1,34,000 असलम भाई ये सीट लोकसभा में मीरा भाईंदर 1,34,000 से कांग्रेस जीते थे, कांग्रेस और एनसीपी 1,34,000 जो सीट डेफिसिट में हो। महाराष्ट्र में आपने हमने देखा किसी के 10,000 वोट कम थे लोकसभा में तो उन लोग चुनाव नहीं गए, मगर मैंने 1,34,000 के डेफिसिट में भी चुनाव लड़ा क्योंकि मुझे बीजेपी के उस नाकार व्यक्ति को इस शहर से हटाना था। क्योंकि मुझ पर लोग आरोप लगा करते थे कि साहब ये मूर्ति आपने ही बनाई है, ये शहर में ये जो अंदर चुन के आया है बीजेपी का ये मुजफ्फर हुसैन ने चुन करके दिया है। एक रोज मुझे इसी किसी ने कहा, बीजेपी वाले ने कहा कि ये सारे मूर्ति आपने बनाई है, तो मैंने उससे कहा कि मूर्तिकार वो होता है जो मूर्ति बनाना भी जानता है तोड़ना भी जानता। तो मैं जबकि मेरी स्पाइन की तीन तीन सर्जरी हुई, डॉक्टर फैमिली सबने कहा था कि आपको चुनाव और इस तरह का एक्सर्शन आप नहीं कर सकते, मगर उसके बावजूद मैं चुनाव लड़ा और सिर्फ क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ी तब जाके बीजेपी हारा। तो कई मरतबा आपको अपने प्राण की और बलि भी देनी पड़ती है अगर पार्टी को जिताना और शहर का और लोगों का आपका उद्धार करना। और इसीलिए आज अगर गवर्नर के नॉमिनेशन में बाला साहब थोराट साहब ने हमारा नाम दिया, सोनिया जी ने नाम दिया, राहुल जी ने नाम दिया, तो यही कारण है कि भाई ऐसे बुरे वक्त में पड़ते समय में जो पार्टी के साथ खड़े रहता है पार्टी को जिंदा रखता है, पार्टी भी उसको जिंदा रखती है और ताकत देती है। आज असलम भाई एक नौजवान हमारे साथीदार मंत्री है, आपका हमारा इस जिले में जो भी काम होगा वो 101% होके रहेगा। इसमें मन को निराश मत कीजिएगा, जो बीत गया उसे भूल जाइएगा। मैं जाहिर रूप से पत्रकारों के माध्यम से और अभी यहाँ की सभा के माध्यम से वो सारे नगर सेवक जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से बीजेपी और सेना में गए हैं उनका कांग्रेस से खुले दिल से मैं स्वागत करता हूँ, वो जब चाहे कांग्रेस में आ सकते हैं। यहाँ से उत्तर हमको दूसरे कार्यक्रम में जाना है, कार्यक्रम लेट हो चुका है, मैं अपने शब्द को यही विराम देता हूँ और आदरणीय मंत्री महोदय असलम शेख साहब को विनती करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।